अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में तवील मुद्दत बाद कराची में ईरानी सरबराह मुमलिकत की आमद हो या जामिया कराची का ईरानी सदर को डायरेक्ट्रेट की सनद जारी करना हो, वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से 1-to-1 मुलाकात हो या सऊदी वली अहद का रोड टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म हो, KMC ग्रीन बसें दोबारा सड़कों पर लाने की तैयारी हो या सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक से बास परसी का इंदिया हो, कराची तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ हो या कच्चे के डाकुओं से राब्ताकार 78 पुलिस एहलकारों की कराची पर यलगार हो, गर्लफ्रेंड का बर्गर खाने पर SSP के बेटे के हाथों जज के बेटे का कत्ल हो या कराची में गुटका मावा माफिया को अहम सियासी शख्सियात की सरपरस्ती हासिल हो या हो साकिनान शहर कायद की अदबी तकरीब। नाज़रीन हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर इस्लामाबाद की इस हफ़्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैनब जतोई। आज मैं आपको बताऊँगी इस्लामाबाद और लाहौर का मुकम्मल अहवाल। तो चलिए शामिल करते हैं पहले लाहौर की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर समेत 5 शहरों में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर आमद। पंजाब पुलिस की खातून ऑफिसर आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब। नारोवाल बारात में मोबाइल फोन समेत कीमती तहाइफ की बारिश। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस की वर्दी पहन ली। पंजाब असेंबली में बच्चों की कम उम्री की शादी के खिलाफ बिल पेश कर दिया गया। एक्सपो सेंटर लाहौर में गेमर्स गैलेक्सी ई स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद। विमेन क्रिकेट को फरोग देने के लिए लाहौर के किनेड कॉलेज में क्रिकेट मैच का इनेकाद। अब चलते हैं इस्लामाबाद की हेडलाइंस की जानिब। सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी हो रही है, वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ का खिताब। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का फैसला। अमरीकी सफारत खाने का अहसन इकदाम। रावल डैम के एतराफ में सफाई का एहतमाम। इस्लामाबाद में पेपर कटिंग आर्ट वर्क की दीदा जेब फनपारों की नुमाइश। मोटरवे पुलिस एहलकार को कार से रोंद कर फरार होने वाली खातून को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। तवील अरसे बाद कराची में ईरानी सरबराह मुमलिकत की आमद, MA जिन्ना रोड की किस्मत जाग गई। जामिया कराची से ईरानी सदर को डायरेक्टरेट की एजाजी सनद जारी और ईरानी खातून अव्वल की किताब की तकरीब रोनुमाई। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से 1-to-1 मुलाकात, मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे वज़ीर आज़म। सऊदी वली अहद का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसें दोबारा सड़कों पर लाने के लिए तैयारी। कराची तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन का आगाज, तमाम अजला में तजावुजात की फहरिस्त फाइनल। चोरों पर पड़ गए मोर, कच्चे के डाकुओं से राब्ते रखने वाले 78 पुलिस एहलकारों का कराची तबादला। कराची में गुटका मावा माफिया को बहुत अहम सियासी शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है पुलिस। मुशायरा और इल्मी और अदबी महाफिल तख्लीकी काविशों के फरोग का जरिया हैं गवर्नर सिंध। और नाज़रीन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के कराची के दौरे को शहरियों ने एक खुशगवार लम्हा करार दिया। कराची में तवील अरसे बाद किसी सरबराह हुकूमत की आमद हुई,
80 की दहाई तक गैर मुल्की सरबराहान ने पाकिस्तान के दौरे में कराची को भी शामिल किया करते थे, लेकिन बाद में ये सिलसिला मुकम्मल बंद हो गया। ईरानी सदर की आमद के पेश नज़र शाहराए कायदीन और नुमाइश चरंगी से तिब्बत सेंटर तक एम ए जिना रोड की टूट फूट की मुरम्मत कर दी गई। बल्दियाती इदारों ने रातों रात हंगामी तौर पर तवील अरसे से मौजूद छोटे मोटे गढ़े भर दिए। मेन सड़क और अतराफ की गलियों की अच्छी तरह सफाई करवाई गई। KMC मुतालिका टाउन और सिंध सॉलिड वेस्ट के अमले ने दो रोज़ा सफाई ऑपरेशन मुकम्मल करके इलाके को मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद के पेश नज़र अच्छी तरह सजाया। जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी ने जामिया कराची की जानब से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाजी सनद दिए जाने की तकरीब का अहतमाम किया। दूसरी जानब इन्हीं औकात में ईरानी खातून अव्वल डॉक्टर जमीला इल्मुल हुदा की उर्दू तर्जुमे पर मबनी किताब नस्वानी ज़िंदगी का फ़न की कराची में रोनुमाई IBA सिटी कैम्पस में जामिया कराची के तहत मुनक्किद हुई। किताब की तकरीब रोनुमाई के मौके पर ख़िताब करते हुए ईरानी खातून अव्वल का कहना था के मुआशरे और बिलखसूस इस्लामी तमद्दन में खवातीन का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि यह देख कर भी खुशी हुई है कि पाकिस्तानी खवातीन भी इस्लामी हिजाब की जानब माइल हैं। ईरान में इस्लामी इनकलाब से भी बरसों कबल पाकिस्तान भी इस्लामी बुनियादों पर वजूद में आया था। पाकिस्तानी खवातीन को साइंस, सोशल साइंस और इस्लामी उलूम में मुश्तरका तहकीक की दावत भी दी। इस मौके पर आसफा भुट्टो जरदारी ने ईरानी खातून अव्वल को जामिया कराची की जानब से शील्ड पेश की। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे के लिए कराची पहुंचने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़वानी की और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की। मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर-ए-आला हाउस में 1-to-1 इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म से सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को सूबे के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हम मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट फौरी तौर पर शुरू करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से दो रुकनी सऊदी वफ्द ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तफसीली मुआयना किया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए कायम मकाम एयरपोर्ट मैनेजर ने सऊदी वफ्द को ब्रीफिंग दी और वफ्द को एयरपोर्ट लाउंजेस का जायज़ा लेने की दावत दी। सऊदी कौंसलेट जनरल दौरा करने वाले सऊदी वफ्द के हमराह रहे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची समय सिंध भर के आज़मीन हज के इमिग्रेशन और दीगर तमाम ज़रूरी तकाजे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही पूरे कर लिए जाएंगे और क्लियर शुदा हुज्जाज कराम जद्दा एयरपोर्ट और मदीना एयरपोर्ट बराह रास्त अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए रहायश गाहों पर चले जाया करेंगे। आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियात को हतमी शक्ल चंद रोज़ में दे दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तबाह हाल ग्रीन बसों की बहाली का मंसूबा शुरू कर दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसें दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। ग्रीन बसों के पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाहौर से तैयार होने वाली पहली बस KMC हेडक्वार्टर्स पहुंचा दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ग्रीन बसों की बहाली के हवाले से कहा है कि कराची में सिंध हुकूमत ने बैनुल अक्वामी तर्ज की ट्रांसपोर्ट मुहैया की है और KMC भी शहरियों को सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्ट फराहम करना चाहते हैं और इस सिलसिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तबाह हाल बसों को ठीक करवा कर चलाना चाहते हैं। याद रहे कि CNG पर चलने वाली 50 बसें 2009 में 25 करोड़ की लागत से साबिक नाजिम ने स्वीडन से मंगवाई थी। दूसरी जानब रुकने सिंध असम्बली फरियाल तारपुर ने पीर को फ्रेयर हॉल कराची में मुनक्किदा एक तकरीब में पिंक बस सर्विस के दो नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया है। कराची के तमाम अज़ला में तजावुजात की फहरिस्त फाइनल और भरपूर ऑपरेशन का आगाज़। बिला इजाज़त सड़क काटने पर दफ़ा 144 लगाने का फैसला। जुमे के रोज़ सदर दफ्तर बल्दिया उज़्मा कराची में इंसदाद तजावुजात के हवाले से आला सतही इजलास की सदारत करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के तमाम अज़ला में बयक वक्त तजावुजात के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी है। हर टाउन में KMC इंस्पेक्टर तैनात किए जा रहे हैं। शहरी इंतज़ामिया और KMC मिलकर तजावुजात के ख़िलाफ़
खिलाफ ऑपरेशन करेगी। अदालती अहकाम के मुताबिक शहर भर से तजावजात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। शहर से तजावजात ख़त्म करने का मकसद शहरियों को बेरोज़गार करना नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉकर्स के लिए जगह मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है ताकि वहाँ ठेलों और पथारों को मुंतकिल किया जा सके। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, म्यूनसिपल कमिश्नर KMC SM अफजल जैदी, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और अफसरान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान कराची के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने हदूद में वाक़ तजावजात और उनके खात्मे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। अहलियाने कराची पहले ही डाकू राज में जी रहे थे, अरबाब इक्तदार ने रही सही कसर निकाल दी। कच्चे के डाकुओं के लिए 78 सहूलतकारी के इल्ज़ाम में पुलिस एहलकारों का शिकारपुर से कराची तबादला कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इंफॉर्मेशन लीक होने पर शिकारपुर में तैनात एहलकारों की खुफिया इंक्वायरी शुरू की गई थी, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि वो मुबैना तौर पर डाकुओं के सहूलतकार हैं। मस्कूरा पुलिस एहलकारों को सज़ा देने या नौकरियों से बर्खास्त करने के बजाय उनका ट्रांसफ़र कराची में कर दिया गया ताकि अब कराची वाले उनकी खदमात से मुस्तफीद हो सकें, जहाँ पहले ही डाकू राज से शहरी आए रोज़ कत्ल हो रहे हैं। याद रहे कि कुछ दिन पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 31वीं एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला सिंध ने स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से IG सिंध को हिदायत दी थी कि शाहीन फोर्स दोबारा फाल बनाएं, मददगार 15 में भी असलाहत लाई जाएं, आदि मुजरमों की ई टैगिंग शुरू करें। IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन की टास्क फोर्स की मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने वाले जराइम के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। IG सिंध की जानिब से कराची पुलिस चीफ को मुबैना तौर पर जराइम की सरपरस्ती करने वाले थानों के मुतल्लिका SHOs को हटाने के अहकाम दिए हैं। IG सिंध का कहना है कि जहाँ टास्क फोर्स का छापा होगा वहाँ के SHO को हटा दिया जाए और SHOs मुलव्वस पाए गए तो सज़ा मिलेगी और जराइम चलाने वाले अफसरान को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। पुलिस सराय का कहना है कि ये काम बहुत अहम सियासी शख्सियत की ज़ेर सरपरस्ती चल रहा है। मुनज़्ज़म जराइम में मंशियात, गुटका, मावा, जुए समेत फहाशी के अड्डे भी शामिल हैं। इस सिलसिले में जैक्सन, इत्तेहाद टाउन, मदीना कॉलोनी और अजीज़ाबाद समेत दीगर थानों की हदूद में गुटका मावा के कारखानों पर छापे मार कर IG सिंध को रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है। साकिनान शहर कायद के 29वें आलमी मुशायरे के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कहा है कि मुशायरा और इल्म व अदबी महाफिल नौजवानों की इल्म व अदबी और तख्लीकी काविशों के फ़रोग का ज़रिया हैं। हुकूमत इसके फ़रोग के लिए मुमकिन इकदाम कर रही है। आलमी मुशायरे में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मुमताज़ शायर इफ्तिखार आरिफ, प्रोफेसर सहर अंसारी, खुर्शीद रिजवी, साकिनान शहर कायद के मुनज़्ज़म आला महमूद अहमद खान, डॉक्टर पीरजादा कासिम, सेनेटर अब्दुल हसीब खान, जमाल अजहर, अनवर शऊर, तौकीर ए खान और शौरा की कसीर तादाद मौजूद थी। मुशायरे की निज़ामत अम्बरीन हसीब अंबर, वजीहा सानी और आगा शिराजी ने अंजाम दी। बैरून मुल्क से आने वाले शौरा में अकील दानिश, बासित जलीली, फरा इकबाल, रिहाना कमर अमरीका, फातमा सहरा कैनेडा, समरीन नदीम समर ताबिश जैदी, जबकि मकामी तौर पर महमूद शाम, खालिद मुइन, शाइस्ता मुफ्ती, रिहाना रूही, अहमद हसन मुजाहिद, अजमल सिराज सबीन सैफ, मुजम्मिल अतहर, मोहम्मद अली गौहर और दीगर, जबकि भारत से राजेश रेड्डी शरीक हुए। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की इस हफ़्ते की खास खास खबरें। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाना है, वह ब्रेक के बाद लाहौर से ज़ैनब जतोई आपको बताएंगी लाहौर और इस्लामाबाद की खास खास खबरों की तफसील। मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कैनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इतफाक कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट
शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत कर दी है, जबकि उन्होंने कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इकदाम का भी हुक्म दिया है। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सेनेटर परवेज रशीद, वजीर इतलातो सकाफत अजमा बुखारी, एम पी ए सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी एस एम बी आर चेयरमैन पी एन डी, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस, कमिश्नर लाहौर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। नाजरीन आपको बताएं कि पिछले दिनों ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर आए हुए थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी एयरपोर्ट से मिजार इकबाल पहुंचे, जहां मुअज्जिज मेहमान को मिजार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज्जिज मेहमान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वक्त के एजाज में जोहराने का अहतमाम भी किया गया, जिसमें रवायती देसी खानों से तवाजो की गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मंगल की सुबह इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। मुअज्जिज मेहमान के इस्तकबाल के लिए शहर की अहम शहराओं को खैर मकदमी बैनर से सजाया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर ईरानी सदर का इस्तकबाल किया, जिसके बाद सैयद इब्राहिम रईसी ने मजार इकबाल पर हाजिरी दी। ईरानी सदर ने मौके पर मौजूद लोगों से हाथ भी मिलाया। उनका कहना था कि वो अवामी इज्तमा से खिताब करना चाहते थे, मगर वजूहात की बिना पर ना हो सका। वो पाकिस्तान की आवाम को ईरानी सुप्रीम कमांडर की जानिब से सलाम करते हैं। उन्होंने शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, अलामा इकबाल ने सहूनी कुव्वत के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। मुअज्जिज मेहमान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा भी किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा, कौमों की बरादरी में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए इल्म हुनर और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की जरूरत है। तालीम के शोबे में मरबूत हिकमत अमली से बेहतर नतायज हासिल किए जा सकते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान और ईरान का मौकिफ वाज़ेह है, मसले फलस्तीन का हल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर के एजाज में गवादर हाउस में जोहराना दिया। मुअज्जिज मेहमानों की रिवायती देसी खानों से तवाजो की गई। मरियम नवाज ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल जमीला इल्मुल हुदा का लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। नाजरीन आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाली खातून पुलिस ऑफिसर को आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस की जानिब से एसएसपी रिफत बुखारी की आला कारकर्दगी का एतराफ़ करते हुए एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड हर साल दुनिया भर से एक खातून पुलिस ऑफिसर को अपने मुआशरे के लिए गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली पंजाब पुलिस की खातून पुलिस ऑफिसर एसएसपी रिफत बुखारी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इन्हें खवातीन के तहफ्फुज के लिए नुमाया खिदमात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुजरिमों की गिरफ्तारी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और रोड सेफ्टी मैकेनिज्म की तैयारी पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस की सदर डिब्रा फ्रेडल ने एसएसपी रिफत बुखारी को खसूसी खत लिखकर आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी और खराज तहसील सीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि आपका इंतखाब आलमी सतह पर आपकी खिदमात का एतराफ है। रिफत बुखारी को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस की 61वीं सालाना कॉन्फ्रेंस के मौका पर शिकागो में इस साल सितंबर में अवार्ड दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पंजाब के शहर नारोवाल में बारात की खुशी में दुल्हा के भाइयों ने कीमती तहाइफ की बारिश कर दी। जराए के मुताबिक सद्दीकपुरा के इलाके में दुल्हन के घर बारात पहुंची तो दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने छत पर चढ़कर कीमती तहाइफ निछावर किए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इन कीमती तहाइफ में मोबाइल फोन, घड़ियां, सूट और करेंसी नोट शामिल थे। इस मौके पर लोगों का हुजूम तोहफे हासिल करने के लिए भाग दौड़ करता रहा। कुछ लोगों ने जाल लगाकर भी नोट लूटे। नारोवाल की कारोबारी शख्सियत और साबिक काउंसलर के बेटे की शादी में वफाकी वजीर समेत शहर की सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। नाजरीन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस वर्दी पहन ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में लेडी कांस्टेबल की पासिंग आउट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पास आउट परेड में शामिल लेडी पुलिस बहुत अलर्ट हैं,
खुशी है कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आईजी पंजाब को हिदायत की है कि 7,000 ख़वातीन पुलिस अहलकार कम हैं, इनकी तादाद में इजाफा किया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खुशी हुई कि इस दफ़ा पुलिस सॉर्ड ऑफ ऑनर एक नौजवान खातून को दी। इनका कहना था कि पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ पुलिस की नौकरी या CM का हल्फ हो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे भी इस मनसब पर आने के लिए खुद को साबित करना पड़ा। नाजरीन, पंजाब असेंबली में बच्चों की कम उम्र की शादी के खिलाफ बिल पेश कर दिया गया। इस बिल में शादी की उम्र कम से कम 18 साल मुकर्रर की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। देखिए आयशा सगीर की ये रिपोर्ट। पंजाब असेंबली में बच्चों की कम उम्र की शादी के खिलाफ बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल में शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया है। हमारा इस्लाम हर तरह से ख़वातीन को फैसिलिटेट करता है, उनके हकूक की बात करता है। मैं इस हक में हूँ कि जो छोटी बच्चियाँ हैं कम उम्र में उनकी शादियाँ नहीं होनी चाहिए। बच्चियाँ जो हैं सबसे पहले तो उनकी उम्र खेल कूद की होती है और पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। कम उम्र की शादियाँ अगर होती हैं तो वो हमारी पूरी नेशन की जो सेहत है उसके लिए सही नहीं है। बच्चियों को तालीम हासिल करने का पूरा हक देना चाहिए, वो इतनी मैच्योर इतनी समझदार हो जाएँ देन वो शादी के प्रोसेस से गुजरे। ये बिल पहली दफ़ा पेश नहीं किया गया, पिछले अदवार में भी ये बिल पेश किया गया था लेकिन हमेशा इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हम तो पिछले 6 साल से ये बिल लेके फिर रहे हैं, राहिला उससे भी ज़्यादा अरसे से ये बिल लेके फिर रही है। यूनिसेफ के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 3% लड़कियों की 15 साल उम्र होने से पहले ही शादी कर दी जाती है, जबकि 18 साल से कम उम्र की 21% लड़कियों को मयारी तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने की बजाय इनकी शादी कर दी जाती है। नाजरीन, पंजाब असेंबली में बिल तो पेश कर दिया गया है लेकिन देखना यह है कि इस बिल की मंजूरी के लिए अरकान असेंबली किस हद तक संजीदा हैं और ये बिल इस बार भी मंजूर हो पाएगा या कि पहले की तरह इसको हवा में उड़ा दिया जाएगा। नाजरीन, आपको बताया कि एक्सपो सेंटर लाहौर में गेमर्स गैलेक्सी ई स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में PUBG, फ्री फायर, FC24 और टेकन जैसी मकबूल गेम्स में नौजवानों ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। मेले में ई गेम्स के अलावा तीरंदाजी और फिजिकल फिटनेस के भी मुकाबले हुए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इलियास इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर लाहौर में रंगारंग गेमर्स गैलेक्सी ई स्पोर्ट्स मेला 8 मार्च से जारी। मेले में PUBG, फ्री फायर, FC24 और टेकन जैसी मकबूल गेम्स में नौजवान भरपूर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऑनलाइन मुकाबलों के लिए ई गेम्स में आम शायकीन के लिए भी सेक्शन बनाए गए हैं। मेले में ई गेम्स के साथ साथ तीरंदाजी और फिजिकल फिटनेस के भी दिलचस्प मुकाबले हुए। मुकाबले जीतने वाले 30 नौजवानों को पाक फौज की तरफ से एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए काकुल, चराट, PB और जहलम जाने का मौका मिलेगा। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल, स्पेशल सर्विस ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर चराट, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB और आर्मी मार्क्समैन यूनिट जहलम में ट्रेनिंग दी जाएगी। मुकाबलों का फाइनल 26 अप्रैल को होगा। फातेह खिलाड़ियों को इनामात भी दिए जाएंगे। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि विमेन क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए लाहौर के किन्नेट कॉलेज में क्रिकेट मैच खेला गया। क्रिकेट मैच में US डेप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में ट्रॉफी की रोनुमाई की गई और खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुब से। कनेड कॉलेज यूनिवर्सिटी में विमेन क्रिकेट मैच हुआ जिसका मकसद क्रिकेट का फरोग और अमेरिका में पहली बार होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को उजागर करना था। लाहौर में अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर मेहमान खसूसी थे। एंड्रयू शोफर ने खवातीन की गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जोर दिया। US डिप्टी चीफ मिशन ने वाजे किया कि बेसबॉल और रग्बी की तरह क्रिकेट को भी फरोग दे रहे हैं। जनूबी पंजाब में तालीम और खेलों के फरोग के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आगाज कर रहे हैं। मैच का हिस्सा बनने वाले भी बहुत पुरजोश थे। तकरीब में ट्रॉफी की रूनमाई की गई और खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब मैं आपको बताऊंगी इस्लामाबाद का अहवाल, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। लीडर्स इन इस्लामाबाद समिट का 7वां एडिशन इख्तिताम पजीर हो गया। तरक्की के लिए ताबुन के मौजू पर मुनक़िदा समिट में मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समिट से चेयरमैन सेनेट यूसफ रजा गिलानी, वफाकी वुजरा मोहम्मद औरंगजेब और अहसन इकबाल ने खिताब भी किया। समिट की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। तरक्की के लिए इश्तराक के मौजू पर लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट सजाई गई। One of the reasons why we initiated discussions with the fund to go for a longer and a larger program is for two reasons. One is to bring permanence in this macroeconomic stability. That's number one. The second thing is the execution of the structural reform agenda. चेयरमैन सेनेट यूसफ रजा गिलानी ने बताया, पाकिस्तान को मुआशी मसाइल के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल का भी सामना है। इंसिडेंट्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड क्राइम्स सच एज डकैतीज, मर्डर्स, किडनैपिंग्स एंड लैंड ग्रैबिंग, कार लिफ्टिंग एंड फोन स्नैचिंग इज आल्सो ऑन द राइज। सच इंसिडेंट्स अंडरमाइन बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड डैमेज द इन्वेस्टमेंट प्लान। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, मईशत में बेहतरी के लिए पॉलिसियों में तसलसल की जरूरत है। इन जापान फॉर 80% ऑफ द टाइम वन पार्टी हैज रूल्ड, प्राइम मिनिस्टर्स हैव कम एंड गो, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उस पार्टी के रूल की वजह से वो मौजूद रही है। टर्की में तैयब अर्दोगान 20 ईयर्स, सो यू फाइंड इन ईच सक्सेस स्टोरी कि देर इज At least decade long political continuity that guarantees policy continuity. मेरे ख्याल में पिछले दो दिनों में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, बहुत अच्छी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आपस में आइडियाज़ शेयर करने की, तो उस नज़रिए से तो ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली मीट हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मुल्क को किस तरह शोकेस करते हैं और यही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जैसे कॉन्फ्रेंसेज और टॉक्स, जिसमें हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ये तो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं इन पे काफ़ी अच्छे से आ रहा हूँ ऑब्वियसली पिछले 8-10 साल से इन कॉन्फ्रेंसेज पे, तो इस दफ़ा मुझे फील हुआ है कि सब एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो गए हैं कि वी मस्ट, यानी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा अदर देन टू टेक ऑफ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पौने दो माह की इज्तमाई कोशिश से मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा है कि हमारी एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र्ब में इजाफा हुआ है, जबकि सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ सरमायाकारी पर मुआमलात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। काबीना इजलास की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमुई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर कौमी खजाने में अरबों खरबों ना आए तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अगर FBR लेट्स से उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करता तो दूसरा फरीक उससे पूछ सकता है और उसको पिनलाइज कर सकता है, और दूसरा फरीक जिसने ये टेक्नोलॉजी या ये काम जिसका बेड़ा उठाया है वो अगर नहीं करता तो FBR उसको पिनलाइज करेगा। नथिंग ऑफ द सॉर्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का मुआहदा मैंने कभी देखा नहीं। इसको अब 4.5 साल हो गए, कितने अरबों खरबों कौम के लुट गए और ये जनाब ये ट्रैक एंड ट्रेस चल रहा है बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म ने वाजिया कर दिया, मुल्की मुफाद में सख्त फैसले करने होंगे। 2019 से आज तक के जिम्मेदारान का तयन होगा। हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, फिर हमारी जो बाहर से जो रिमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ। 1.5 महीने में हमने मिलके जो इज्तमाही काविशें की हैं तो उससे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑल इज़ यू नो शुगर एंड हनी, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम एक एक पाई के अमीन और कौम को जवाब दे होंगे। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं, मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की कोशिशें नाकाम होंगी। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म
का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। आर्मी चीफ ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। इंशाल्लाह आवाम के तावुन और सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ का मजीद कहना था, मनफी प्रोपोगंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ ने कहा कि आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था, आइए हम सब मिलकर मनफी कुवतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान मुबारक सरजमीन है, हमारी कौम को तरक्की के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। पाक फौज मुल्की इक्तसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फौज की कोशिशें जामे कौमी सलामती और कौम की इज्तमाई भलाई के लिए किरदार अदा करेंगी। कॉन्फ्रेंस में कसीरुल जहती ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के इकदामात और मेयारात पर ब्रीफिंग दी गई। इकदामात का मकसद पाकिस्तान में गजाई तहफ्फुज को यकीनी बनाना और ज़रई पैदावार में इजाफा करना है। वफाकी वुज़रा ने कहा, ज़राअत पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। वफाकी वज़ीरे दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमने आमा को बेहतर बनाने और जराइम पेशा गैंग की सरकूबी के लिए IG इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। उन्होंने गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीरे दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में अमने आमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने अमन अमान की सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने भिखारी माफिया और पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म भी दिया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जमीन के आलमी दिन के मौका पर एक अहसन इकदाम सरंजाम दिया गया। सफारत खाने के अमले की जानिब से रावल डैम के एतराफ में सफाई ड्राइव का अहतमाम किया गया। मुहिम में अमरीकी हुक्काम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट समेत इस्लामाबाद के शहरियों ने हिस्सा लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसा लगता है जब गैर मुल्की आकर हमारा फेंका हुआ कचरा उठाते हैं और शायद हमें शर्म दिलाते हैं कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। ये नज़ारा आज अमरीकियों ने हमें रावल झील के किनारे पर दिखाया। बाईस अप्रैल माहौलियाती तहफ्फुज की अहमियत उजागर करने का आलमी दिन है। इस बरस इस दिन का थीम प्लास्टिक मुकाबला कुरा अर्ज है। इसी मुनासबत से सफाई मुहिम शुरू की गई, जिसमें अमरीकी मिशन के साथ WWF और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट समेत मरगला नेशनल पार्क के हुकाम और तुलबा ने हिस्सा लिया। हमारा मुल्क टूरिज्म में कितना आगे जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इस सब कचरे की वजह से मेरे ख्याल से टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा हमारी इफेक्ट हो रही है। अर्थ डे है, सो बीइंग अ ह्यूमन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्योंकि अर्थ में रह रहे हैं और हम अपनी अर्थ को साफ करें, बिकॉज यू नो वी डोंट हैव एनी प्लैनेट बी जहाँ पे हम रह सकें। आपकी ये छोटी छोटी एक्शंस ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। इवन अभी भी हम 20-25 लोग आए हुए हैं, वी आर ट्राइंग टू क्लीन इट एंड वी विल इंशाल्लाह, लेकिन योर एक्शन योर सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। इस मौके पर अमरीकी नायब सफीर ने कहा, इस्लामाबाद हमारा दूसरा घर है, माहौल को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के इकदामात खुश आइंद हैं। The parks around Islamabad, the really unique environmental features that are here, and this is an opportunity to give a little bit back and also help raise awareness about the importance of protecting the environment, protecting these unique parks and assets that exist here. Rawal jhil ke kinare kachra uthate in guron ne hame khamosh paigham diya hai के सैर को जरूर जाएं, मगर गंदगी मत फैलाएं। नाज़रीन PNC इस्लामाबाद में पेपर कटिंग आर्ट के फनपारों की खूबसूरत नुमाइश का अहतमाम किया गया। पेपर कटिंग से बनी फनपारों के जरिए इस्लामी तहजीबो तशखुस की अकासी की गई। नुमाइश देखने आए अफराद भी मुसव्वरों के हुनर से मुतासिर होकर खुश दिखाई दिए। नुमाइश की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پولیس اہلکار کو کار سے روند کر فرار ہونے والی خاتون کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ موٹر وے پولیس کے اہلکار کو ٹکر مار کر فرار ہونے والی خاتون فرحہ کو پولیس کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس نے گرفتار ملزمہ فرحہ کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔